हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। दो टाइप के रिएक्शंस हम लोग पढ़ भी चुके थे, दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट वन वॉज रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन वॉज रिएक्शन विद हैलोजन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, किस टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारे 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम, ये मेंबर्स क्या करते हैं। अब फर्स्ट वाला तो खुद ब खुद कौन है, ऑक्सीजन है, इट इज ऑक्सीजन इटसेल्फ। तो बाकी मेंबर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड। दो टाइप के ऑक्साइड्स की एलिमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन सी हैं वो टू टाइप्स, EO2 एंड EO3। आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट कैपिटल E स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट, ये जो जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, एंड O ऑक्सीजन, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूं, सेकेंड एलिमेंट इस ग्रुप का कौन है, सल्फर है। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, SO2 भी बना सकता है, इट इज ऑफ द टाइप EO2, या फिर ये क्या बना सकता है, SO3 भी बना सकता है, इट इज ऑफ द टाइप SO3, ठीक है। तो रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो इन ऑक्साइड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है, EO2 टाइप की एंड EO3 टाइप की। अब मेंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। अब सारे मेंबर्स को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो उसमें कौन कौन आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, देखो दो टाइप की ऑक्साइड्स बननी है, EO2 एंड EO3, और इधर हम लिख देते हैं हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन इटसेल्फ, तो ये EO2 टाइप के ऑक्साइड की फॉर्मेशन तो कर नहीं सकता, लेकिन इसको हम लोग जो ओजोन हमने एरोट्रोप पढ़ा था ऑक्सीजन का, इस ओजोन को EO3 की ही टाइप कंसिडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एग्जिस्ट करती है डायटोमिक फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर हमने डायटोमिक ऑक्सीजन से करा दिया तो O3 की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए ओजोन को EO3 टाइप के ऑक्साइड में कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। EO2 में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती। सल्फर की बात करें तो SO2 भी बना लेता है, SO3 भी बना लेता है, सेलेनियम भी, सेलेनियम डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करता है एंड सेलेनियम ट्राइऑक्साइड की भी, टेलूरियम भी, टेलूरियम डाइऑक्साइड भी बनता है और टेलूरियम ट्राइऑक्साइड भी। पोलोनियम की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेंबर जो कि रेडियो एक्टिव है, इजीली हर टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये डाइऑक्साइड तो बना लेता है, लेकिन ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन पोलोनियम नहीं कराता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं और कौन से एलिमेंट्स किस टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं करवा सकते, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूं कि डाइऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है और ट्राइऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो इन डाइऑक्साइड्स को और इन ट्राइऑक्साइड्स को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हमें उनकी फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, हमें उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डाइऑक्साइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो डाइऑक्साइड्स की भी फॉर्मेशन कर रहे हैं और ट्राइऑक्साइड्स की भी, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, दो टाइप की ऑक्साइड्स इन्होंने बना ली है, डाइऑक्साइड्स एज वेल एज ट्राइऑक्साइड। तो हमें इन दोनों को स्टडी करना है, डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स, इन दोनों के ही हम लोगों को स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइऑक्साइड्स, और इसमें भी आपको हैलाइड्स के केस में भी बताया था, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस ग्रुप के मेंबर्स की, मतलब वो ऐसा मेंबर जो हर किसी के साथ मोस्टली रिएक्शन शो कर लेता है, वो मेंबर इस ग्रुप का कौन है, सल्फर है। हैलाइड्स भी हम लोग सल्फर के हैलाइड्स की बात करते थे, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े, यहाँ पे भी हम लोग जनरली सल्फर की ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो डाइऑक्साइड्स को डिस्कस करना है एंड ट्राइऑक्साइड्स को, सबसे पहले बात करते हैं डाइऑक्साइड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स की हमको बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कंसिडर कर लिया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले स्टडी करना है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर,
जहां पे मेरे पास एक सल्फर एटम प्रेजेंट है और उसके साथ में दो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट होती है, आप लोग डॉट रिप्रेजेंटेशन करके देख सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपके पास दो ऑक्सीजन है, आप लोग इसके डॉट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है SO2 का वो कैसे होता है, देखिए सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखिए सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूटिलाइज हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूटिलाइज हो गए, चार इलेक्ट्रॉन हो गए, दो और अभी इसके पास बाकी हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें सो इट इज गैस इन नेचर। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, वो एक गैस होती है। अब जहां पे भी डबल बॉन्ड बन जाते हैं वहां पे बात आती है मल्टीपल बॉन्डिंग की, एंड मल्टीपल बॉन्डिंग हम लोगों ने दो टाइप की पढ़ रखी है, या तो हो सकती है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, या फिर क्या हो सकती है पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है बॉन्ड, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन के बारे में तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, यानी ऑक्सीजन का तो सिर्फ पी ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्डिंग है इधर इन दोनों के बीच में, वो क्या है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। इस वाले बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, लेफ्ट वाले की, फर्स्ट वाले की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसका तो पी ऑर्बिटल ही आना है। और सल्फर जो है, सल्फर के पी ऑर्बिटल में भी अभी वैकेंट स्पेस है, क्योंकि आप सल्फर के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, नियॉन 3s2 एंड 3p4। पी के अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, टोटल पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से यहाँ पे सल्फर भी अपने पी ऑर्बिटल का यूटिलाइज कर रहा है, एंड ऑक्सीजन के पास तो है ही पी ऑर्बिटल, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्डिंग हुई है इट इज ऑफ द टाइप पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अगर बात करें इस वाले की, राइट साइड वाले की, तो फिर वही ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इस पी के बाद क्या सल्फर के पास डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता है, 3p एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 3d भी होता है, और ये ऑर्बिटल यहाँ पे कैसा है, वैकेंट है इन केस ऑफ सल्फर एटम। सल्फर के केस में ये d ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट है। तो यहाँ पे अब सल्फर अपना d ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, और जिस टाइप की बॉन्डिंग बनती है वो बॉन्डिंग यहाँ कौन सी है, p/d/pi। तो ये मान के चलिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है मल्टीपल बॉन्डिंग इट इज p/p/ मल्टीपल बॉन्डिंग, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है इट इज p/d/pi मल्टीपल बॉन्डिंग। एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है, गैसियस है इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, आप सबको अच्छे से पता है, ठीक है। डाइऑक्साइड ये तो मैंने फर्स्ट मेंबर की बात कर ली कि ऑक्सीजन तो इसके अंदर इन्वॉल्व है ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो गई। सेलेनियम डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सेलेनियम डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो आपका नेक्स्ट मेंबर है सल्फर के बाद, ठीक है, उसकी डाइऑक्साइड की बात करें मीन सेलेनियम डाइऑक्साइड की, तो फिर वो कैसा होगा, नेचर में लिक्विड होता है, ठीक है। अब ये तो सल्फर डाइऑक्साइड की आप लोगों ने शेप बना रखी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की शेप यहाँ पे कैसी होती है, इस शेप को क्या बोला जाता है, बैंड शेप, ठीक है, बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप आप इसको बोलते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। यस, अगर नेक्स्ट बात करें सेलेनियम डाइऑक्साइड की, तो वैसे तो ये सभी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। मोस्ट स्टेबल फॉर्म या जिसके अंदर ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है, ज्यादा स्टेबल है, दैट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ये सब्सटेंस ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम गैसियस फॉर्म में अगर देखें, अगर मान लो ये गैसियस फेज में या गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनता है एज दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा स्ट्रक्चर सल्फर डाइऑक्साइड का था, वैसा ही स्ट्रक्चर सेलेनियम डाइऑक्साइड का होता है अगर ये गैसियस फेज में प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये सोलिड फॉर्म में आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर चेन स्ट्रक्चर। ये देखिए लीनियर चेन बन जाती है, ठीक है, पॉलीमरिक चेन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। लार्ज नंबर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और चलता जाएगा, जितना आप शो करना चाहें कर सकते हैं। ये हो गया गैसियस फेज में, और ये हो गया है सोलिड फॉर्म के अंदर।
उसके अलावा अब जो ऑक्साइड्स हैं, अब आप बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है तो आपको इसका रिएक्शन भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इनके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ इजिली रिएक्ट कर सकती है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखिए H2S एंड तीन ऑक्सीजन आइटम है तो H2SO3। ध्यान दीजिएगा कुछ बच्चे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनती। दिस एसिड इज नोन एज द सल्फ्यूरस एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, और इसी एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, इनके रिएक्शन भी आप वॉटर के साथ शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में ये जो आपकी ऑक्साइड बनती है इट इज एसिडिक इन नेचर। हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर की है, इसका नाम भी क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, इसकी भी एसिडिक नेचर होती है। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ये जो ऑक्साइड्स बन रही हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, आप बोलते हैं कि स्टार्टिंग वाले टू मेंबर्स क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स एसिडिक होती है नेचर में। नेक्स्ट टू मेंबर्स को आपने क्या कहा था कि ये मेटालोइड्स हैं। मेटालोइड्स हैं तो फिर ये दोनों टाइप के ऑक्साइड शो कर सकते हैं, मींस इनके ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर भी होगा और बेसिक नेचर भी होगा। लास्ट वाले मेंबर को आप लोग बोल रहे हैं इट इज अ टिपिकल मेटल, ये कौन है, एक मेटल है। और मेटल्स की ऑक्साइड्स कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर डिक्रीज होता जाता है और बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये तो बात थी डाइऑक्साइड्स की। अब इसी तरह से ट्राइऑक्साइड्स भी हैं। अब हमें ट्राइऑक्साइड्स में भी यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर्स देखने हैं, उसके बाद आपके ऑक्साइड्स का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ट्राइऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए अभी जो ट्राइऑक्साइड्स हैं, ट्राइऑक्साइड्स के अंदर सबसे पहले तो जनरली हम लोग सल्फर की ही ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे। बाकी जितने भी ट्राइऑक्साइड्स हैं यहाँ पे, ऑल दीज ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सभी का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर है। ओजोन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो ये गैसेस हैं, लेकिन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है मेनली वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। गैसियस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर उसी तरीके से बनेगा जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का बना था, वहां पे दो ऑक्सीजन आइटम थे, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन आइटम है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग की बात की जाए तो ये एक बॉन्डिंग इसके अंदर क्या होती है, पी पाई बॉन्डिंग। क्यों, ये जो एक बोन यहाँ पे बन रहा है इट इज पी पाई ऑफ द टाइप। वाई, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे अपना पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है और सल्फर भी। ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो इसमें पी ऑर्बिटल का ही यूज करना है। तो नेक्स्ट इज पी पाई डी पाई, सल्फर का डी ऑर्बिटल आ रहा है और यहाँ पे भी जो बोन बन रहा है इट इज पी पाई डी पाई। ठीक है, ये बोन्स बन रहे हैं। अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म में आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत अलग अलग तरीकों से मिल जाता है। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास बना रखा है ये लीनियर चेन है। ठीक है, ये देखिए लीनियर चेन बना रखी है सल्फर ट्राइऑक्साइड ने। ये पहला सल्फर एटम, ठीक है, तीन ऑक्सीजन एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं और ये और ऑक्सीजन एटम्स जो है वो साथ में इस तरह से अरेंज होते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने आप को अरेंज कर रखा है। तो ये तो है लीनियर चेन। ठीक है, इसके अलावा और दो टाइप के स्ट्रक्चर है वो और आपको दिखाती हूँ कौन से है। और इसके अलावा जो सल्फर है वो साइक्लिक प्राइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दो ऑक्सीजनों पर डबल बॉन्ड से अटैच और एक आप इधर दिखाते हैं। ठीक है, प्राइमर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, साइक्लिक फॉर्म में है। अगर बात करें सेलेनियम ट्राइऑक्साइड की, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड के बीच में यहाँ पे इधर प्राइमर बना था और यहाँ पे टेट्रामर की फॉर्मेशन होती है। देखिए चार इस तरह से अटैच है, एक सेलेनियम इधर दिखाया, इधर, इस साइड एंड इस साइड। दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं हर एक सेलेनियम के साथ और एक एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है सेलेनियम के साथ। जिस तरह से हम लोग 11th क्लास में आइस का स्ट्रक्चर डिस्कस करते थे ये उसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर टेलुरियम की बात करें तो जो टेलुरियम का ट्राइऑक्साइड है उसका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा उसका स्ट्रक्चर होता है। एंड जो पोलोनियम ट्राइऑक्साइड है उसकी तो फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स कि किस तरह से 16 ग्रुप एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और किस तरह से दो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इनको ऑक्साइड्स को अच्छे से स्टडी करना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।